बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे ग्रैब चार्ज लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भी जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ग्रैब 3 लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओका और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खूब सुनाई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे ग्रैब चार्ज लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भी जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ग्रैब 3 लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओका और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खूब सुनाई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे ग्रैब चार्ज लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भी जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ग्रैब 3 लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओका और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खूब सुनाई है।